हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विकास आपको स्वागत करता हूँ नो कन्फ्यूज सिविल इंजीनियर चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइस ऑफ स्कार्फ होल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर। हम लोग हायर ऑफ स्कार्फ होल्डिंग मटेरियल हम लोग बना दिया, एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब हम लोग जो स्कार्फ होल्डिंग को खरीद के लेके आएंगे तो कितना रुपया हमको लगेगा, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारा वहाँ पे स्कार्फ होल्डिंग का प्राइस के बारे में। तो पहला हमारा सीरियल नंबर, आइटम, साइज, स्पेसिफिकेशन, वेट, प्राइस, और वहाँ पे आप देख सकते हैं पहला हमारा आ गया स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड जो होता है ये इसी तरफ होता है, स्टैंडर्ड आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड हो गया वहाँ पे आप लोग का, ये हो गया हमारा टॉप कप, ठीक है, और ये हो गया हमारा बॉटम कप। इसके अंदर हमारा जो लेजर लगेगा उसके उसके बाद वो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग देखेंगे 3 मीटर का हमारा जो 3 मीटर का मतलब डिफरेंट साइज का हमारा रहता है ना, तो इसलिए हमारा 3 मीटर का जो स्टैंडर्ड रहता है वहाँ पर 6 कप रहेगा, 500 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा, मतलब ये बीच के जितना भी गैप है वहाँ पर, ठीक है, ये होगा हमारा कितना 500 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब इसी सेंटर से इधर तक मेरा होगा कितना ना 500 mm, और 6 कप लगेगा, मतलब यहाँ पे जो है वो कप 6 कप लगेगा। तो उसका वेट कितना होगा ना 13.26, और प्राइस आ जाएगा 906 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा ना 2.5 मीटर का जो स्टैंडर्ड आएगा वो 5 कप रहेगा, 500 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा, उसका वेट आएगा 11 kg, और प्राइस रहेगा उसका 756। ठीक है, ये जितना सारा वेट है ये केजी में है। ठीक है दोस्तों, तो 2 मीटर का जो साइज होता है वहाँ पे 4 कप, 500 mm सेंटर टू सेंटर, 8.8 kg, तो ये आ जाएगा हमारा 599। ठीक है दोस्तों, 1.5 मीटर का जो स्टैंडर्ड होता है वो मेरा कितना आ जाएगा, 3 कप, 500 mm सेंटर टू सेंटर, 6.6 kg, प्राइस आ जाएगा 458। तो 1 मीटर मेरा जो स्टैंडर्ड होगा वहाँ पे 2 कप रहेगा, 500 mm सेंटर टू सेंटर, उसका वेट आ जाएगा 4.4 kg, और उसका प्राइस आ जाएगा कितना ना 308 आ जाएगा उसका प्राइस। ठीक है, तो 0.5 मीटर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 1 कप रहेगा, 500 mm सेंटर टू सेंटर, और उसका वेट रहेगा 2.2, और उसका प्राइस रह जाएगा 107। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे लेजर। ठीक है, तो लेजर वहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया मेरा लेजर। ठीक है, तो वहाँ पे लेजर जो होता है वहाँ पे, तो ये हो गया मेरा कितना ना 3 मीटर का जो लेजर होता है, ये डिफरेंट साइज का भी रहता है, तो ये हो गया मेरा कितना ना 3 मीटर का। 3 मीटर वहाँ पे जो हो गया वहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ओनली वेट। तो वेट मेरा कितना आ जाएगा ना 10 किलो, तो वहाँ पे ये मेरा प्राइस आ जाएगा 579। ठीक है दोस्तों, 2.5 मीटर का मेरा आ जाएगा कितना ना 8.48 kg, और प्राइस रहेगा 491। उसके बाद मेरा आ जाएगा 2 मीटर का साइज, जब आएगा मेरा वेट हो जाएगा 6.86 kg, उसका मेरा आ जाएगा 410। 1.2 मीटर का मेरा जो आएगा वो कितना आ जाएगा ना 4.28, वो आ जाएगा मेरा 259 मेरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1.5 मीटर का वैसे ही 5.18 kg मेरा आएगा, और 310 रुपया मेरा लगेगा। उसके बाद मेरा आ गया क्या ना 1 मीटर आ गया वहाँ पे, 1 मीटर में 3.61 kg, और प्राइस मेरा को लगेगा 227। ठीक है दोस्तों, तो 0.750 मीटर का मेरा आ गया कितना ना 2.8 kg, और ये हो गया मेरा कितना 184। ठीक है दोस्तों, तो 0.500 मीटर का मेरा कितना आ जाएगा 1.98, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 140 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा ना बेस जैक, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग बेस जैक बोलते हैं। ठीक है, तो बेस जैक जो रहता है
वो क्या रहेगा ना 32 × 330 सेमेन। वहाँ पे जो मतलब ये वाला जो राइडर रहेगा वो 32 का रहेगा उसका डाया, और 330 सेमेन मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका। आप लोग देख सकते हैं मेरा माउस की वहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा 330 सेमेन। ठीक है, ये होता है उसका डायमेंशन। बेस जैक का साइज जो होता है वहाँ पे 32 × 330 mm, तो उसका जो वेट आएगा 3.2 kg आएगा। उसका वेट जो मतलब उसका प्राइस जो रहेगा 227। ठीक है, 32 × 450 mm का 3.8 kg 268 रहेगा वहाँ पे। 32 × 500 mm तो उसका लग आ जाए कितना ना 4.1 kg 285 उसका प्राइस आ जाएगा। 32 × 600 mm तो ये हो जाएगा मेरा कितना ना 4.75 kg और उसका आ जाएगा 322। ठीक है, 32 × 750 mm का जो साइज रहेगा मेरा वो उसका वेट कितना हो जाएगा ना 5.7 kg हो जाएगा और 378 मेरा आ जाएगा। ठीक है, उसका प्राइस। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या टॉप या यू जैक हम लोग जिसको बोलते हैं। ये हो गया मेरा क्या ना यू जैक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा क्या यू जैक। तो उसका ही सेम डायमेंशन कैसे रहेगा ना 32 × 300 mm, उसका भी स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो उसका जो वेट रहेगा 3.3 kg रहेगा, 198 हमारा रहेगा क्या उसका प्राइस। 32 × 450 mm का जो रहेगा 3.9 kg रहेगा वहाँ पे, और प्राइस रहेगा 232। ठीक है, 32 × 500 mm ये रहेगा 4.2 kg मेरा रहेगा, और उसका जो प्राइस रहेगा 248। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा ना 32 × 600 mm तो ये मेरा कितना आ जाएगा वेट हो जाएगा मेरा 4.85। तो ये मेरा आ जाएगा प्राइस कितना ना 280। ठीक है, 32 × 750 mm का जो आएगा मेरा 5.86 मेरा केजी रहेगा। उसके बाद मेरा कितना प्राइस आएगा ना 326 मेरा आ जाएगा क्या उसका प्राइस। उसका हम लोग देखेंगे बेस प्लेट। बेस प्लेट का जो रहता है 150 × 150 × 5 mm, मतलब यहाँ पे हो गया इसका 150, ये हो गया 150 और उसका थिकनेस हो गया हमारा 5 mm का। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो रहेगा ये 1 kg का रहेगा और प्राइस रहेगा 70। ठीक है दोस्तों, जो बेस प्लेट रहता है ये हो गया हमारा बेस प्लेट। उसके बाद मेरा आ जाएगा क्या ना प्रॉप। ये आप लोग देख सकते हैं ये हो गया प्रॉप। ठीक है, ये 2 × 2 meter का रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2 × 2 meter का रहेगा कितना ना उसका वेट हो जाएगा 18.2 और उसका प्राइस आ जाएगा 1082। ठीक है, तो 2 × 3 meter का रहेगा 21.2 और उसका प्राइस रहेगा 1194 उसका प्राइस रहेगा। 3 × 3 meter का कितना रहेगा ना 26 रहेगा, वहाँ पर प्राइस रहेगा 1533 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा ना आक्रोस्पान। ये आप लोग देख सकते हैं ये हो गया मेरा क्या आक्रोस्पान। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आक्रोस्पान मतलब 3150 × 4850 जो साइज का रहेगा वहाँ पे, तो उसका वेट आ जाएगा 43 kg आ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो प्राइस रहेगा 2495 मेरा आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा 2450 × 4150 जो साइज का मेरा रहेगा आक्रोस्पान, उसका वेट रहेगा मेरा 39 kg, तो उसका मेरा प्राइस आ जाएगा 2263 का। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या ना जाली। ये आप लोग देख सकते हैं जाली जहाँ पे हम लोग जो स्काफोल्डिंग हम लोग करते हैं जो वहाँ पे खड़ा होने के लिए ये जाली का मतलब वहाँ पे जरूर होता है जाली, हम लोग जहाँ पे खड़ा हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो जाली का साइज रहेगा 2000 × 450, तो उसका जो रहेगा उसका स्पेसिफिकेशन
20 × 20 × 2 mm का जो रहेगा उसका वेट हो जाएगा कितना, 19.2 kg आ जाएगा मेरा। तो इसका प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, 1140 उसका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा ना, 2000 × 450। तो ये मेरा कितना आ जाएगा ना, 20 × 20 × 1.5 mm का मेरा जो रहेगा साइज वो मेरा आ जाएगा 13.4, उसका प्राइस आ जाएगा 886 मेरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसी वीडियो को शेयर करना, और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।